ट्रेन, इस ट्रेन में स्पीड का कन्वर्शन तो सबों को मालूम है कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? तो 1 × 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर स्पीड हम लोग को अगर जरूरत है, इफ रिक्वायर्ड कि दिस इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड वी नीड इन मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 स्मॉलर यूनिट में चाहिए, छोटे वाले में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो 5/18, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और स्पीड में ही देखें, अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा तो देखने के साथ आप सॉल्व करना, और किलोमीटर पर आवर में बहुत कम जरूरत पड़ता है फिर भी, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो बड़े वाले में लाना है किलोमीटर पर आवर में, तो बड़े वाले से यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉलर में लाना है अगर मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। तो हम लोग देखें, ट्रेन देखिए, ये ट्रेन है, ट्रेन और इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा x किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन का लेंथ होता है L1। देखो लगभग कॉन्सेप्ट तो इसका टाइम एंड डिस्टेंस जैसा ही है, लेकिन ट्रेन का लेंथ होगा, और वो लेंथ क्या है? L1। यहां हम लोग देखें कि ट्रेन L1 है, और जिसको ट्रेन क्रॉस करे, ट्रेन जो है जब जा रही है तो रास्ता में बहुत सारा चीज मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है? कोई मैन है उसको पार करे, कोई ट्री है, कोई टेलीग्राफ पोस्ट है, पोल है, एनिमल है, रास्ते में सब जा रहे हैं, उसको ट्रेन पार करके आगे निकल रही है। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। दूसरा ट्रेन है, या तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सब ब्रिज है, टनल है, सुरंग, टनल है, सुरंग को पार कर रही है, या अलग अलग ब्रिज को पार कर रही है। तो जब रेलगाड़ी में आप बैठे हो, मान लो आप बैठे हुए हो, तो आप तो सबको देख रहे हो, सब नजर आ रहा है कि किसको किसको ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन किसको किसको पार कर रही है, तो ट्रेन। ट्रेन की लंबाई L1 मीटर मान लो, और रास्ते में क्या मिल रहा है? हो सकता है मैन हो सकता है ट्री हो, टेलीग्राफ पोस्ट हो, या पोल हो, कोई पॉइंट हो, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो, ब्रिज हो, अदर ट्रेन हो, तो मान लो कि ये रेलगाड़ी जा रही है, और इस रेलगाड़ी का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। इसका लेंथ क्या है? L1 मीटर। और जिसको ये रेलगाड़ी पार करे उसका लेंथ हम लोग क्या ले लें? L2 मीटर। इस चैप्टर में डिस्टेंस जो होगा L1 प्लस L2 होगा, जहां भी डिस्टेंस की बात हो L1 प्लस L2, और यही होता है स्पीड इनटू टाइम।
अब हम लोग देखे कि L1 तो ट्रेन है इटसेल्फ, ट्रेन इटसेल्फ L1, और जिसको पार कर रहा है L2, लेकिन यहां पे मैन ट्री टेलीग्राफ पोल पॉइंट इन सब का लेंथ यानी इनके केस में L2 जीरो होता है। लेंथ लगभग 1 मीटर अप्रोक्स 1 मीटर या उससे कम या थोड़ा हल्का ज्यादा तो उसको हम लोग जीरो लेते हैं, वो लेंथ नहीं माना जाता है। ट्रेन के केस में लगभग जब रेलगाड़ी किसी को पार कर रही तो मैन जीरो, मैन का लेंथ जीरो, ट्री जीरो, टेलीग्राफ पोस्ट जीरो, यानी हम लोग पहले से देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगा तो L1 प्लस L2, तो L1 तो रेलगाड़ी वो तो जीरो नहीं है, उसका इंजन हो या पूरे विथ बॉगी हो ट्रेन है तो वो जीरो नहीं होगा, दैट विल बी L1। लेकिन इफ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन तो मैन इज जीरो, तो वैसे केस में L1 प्लस L2 जो करेंगे तो केवल L1 रहेगा, L2 तो जीरो है, तो डिस्टेंस होगा ओनली L1। ट्रेन पासिस टू या क्रॉसेस ट्री केवल L1, टेलीग्राफ पोस्ट ओनली L1, पोल ओनली L1, हॉल ओनली L1। लेकिन यही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म तो जीरो नहीं होगा, ये सब जीरो, ये सब जीरो नहीं होगा। ऐसे केसेस में आइदर L2 विल बी गिवन और आपको फाइंड करने को कह सकता है। ना ही प्लेटफॉर्म जीरो होगा, ना ही टनल सुरंग जीरो होगा, ना ही ब्रिज जीरो होगा, ना ही दूसरा ट्रेन चाहे उसी डायरेक्शन में जा रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन हो वो भी जीरो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो L1 प्लस L2, तो इस चैप्टर में देखो है तो वही तीन चीज, क्या कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू, तो डिस्टेंस मींस L1, व्हेन L1 अगर वहां पे केस आ गया मैन का, मैन जीरो है, मैन का लेंथ जीरो है, मैन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म और सामने से गाड़ी जा रही है, मैन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन जा रही है, and man observed that this train passing to him मतलब उसको यानी man को, ये man is observer, man observe कर रहा है कि सामने से आ रही गाड़ी उसको man को पार कर रही है, तो वैसे केस में केवल L1 होगा। लेकिन if man observes that सामने से आ रही गाड़ी उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो L2 जीरो नहीं होगा, तब L1 प्लस L2। मैन ऑब्जर्व क्या कर रहा है? हाँ सर, तो ऐसा क्यों है L2 इज इक्वल टू जीरो हमेशा क्यों रहता है? देखो ये क्योंकि मैन का लेंथ थोड़ी ना, मैन और पोल L1. तो एकदम बराबर है लेंथ। अब मैं दिखा रहा हूँ ये L1, ये L2, मैन का तो इतना बड़ा ये लेंथ नहीं होगा, ये L2 है, यानी ध्यान दो ये L1 और ये L2, तो डिस्टेंस होगा ये वाला भी, ये L1 भी और ये L2 भी, तो ये सब जीरो नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन ऐसे है आ किसी पॉइंट को पार कर रहा है, यही मैन खड़ा है, देखो ये मैन खड़ा है, ये मैन है, तो मैन तो जीरो है, तो इसको सीधा ऐसे अगर कर गई ट्रेन तो क्या कहेंगे, मैन को पार कर गई। लेकिन इसको पार करने में ये जो है बता दो, पहले ट्रेन ऐसे आएगा और फिर ऐसे निकलेगा तब कहेंगे कि पार किए, यानी ये अपना डिस्टेंस तो देखो यहां तक, यहां से यहां यानी ये डिस्टेंस भी हुआ, अब प्लस बाहर निकलना है तो ये डिस्टेंस भी हुआ, मैन के लिए या ये ट्रेन के लिए मैन का, आ देखो ये डिस्टेंस तो होगा ही प्लस ये डिस्टेंस भी हो गया, तो दोनों को पार करना है। लेकिन इसके लिए सोचो यहां वाला केस, ये L1 है यहां से यहां तक, और ये अगर इसको केवल पार करे, इस पॉइंट को पार करे तो केवल उसी को ना, पॉइंट ही को ना पार किया, यानी फिर यही ट्रेन यहां आ गई। लेकिन यहां तो देखो ये अपना भी, तो पहले तो इस ट्रेन के पैरेलल आ गया, तो यहां से यहां आया तो ये पैरेलल आया, पैरेलल के बाद इसको निकलना होगा, यानी L1 प्लस, यहाँ पे केस क्या हो गया L1 प्लस L2,
लेकिन यहां पे केस क्या हुआ, एल वन प्लस जीरो। तो डिस्टेंस हमेशा एल वन प्लस एल टू। अब क्वेश्चन को आपको पढ़कर देखना है कि क्या एल टू जीरो है। अब एल टू जीरो कब होगा, मैन है, ट्रेन मैन को पार करे, पोल को पार करे, टेलीग्राफ पोस्ट को पार करे, ट्री को, वहां ये नहीं ध्यान देना कि सर एल टू तो गिवन नहीं था। लेकिन अगर ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे तो एल टू चाहिए, या आइदर दिस विल बी गिवन और यू हैव टू फाइंड, या तो दे देगा या आपको पता करना होगा। क्लियर? तो डिस्टेंस एल वन प्लस एल टू, और कॉन्सेप्ट तो वही है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान क्या देना है कि ये तो डिस्टेंस हो गया एल वन प्लस एल टू, अब स्पीड क्या, किसका स्पीड, ट्रेन का, चलो ट्रेन का एक्स। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्रेन जिस डायरेक्शन ट्रेन जा रही है और मैन भी दौड़ रहा है, लेंथ तो मैन का जीरो है लेकिन जो दौड़ रहा है वो स्पीड तो जीरो नहीं है, चाहे वो उसी डायरेक्शन में दौड़े या अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, तो मैन का स्पीड होगा, खड़ा है तो स्पीड जीरो है, दौड़ रहा है मैन तो उसका स्पीड होगा। मैन किसी ट्रेन में बैठ गया तो दूसरे ट्रेन में, तो उस ट्रेन का स्पीड मैन का स्पीड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैन उस जगह पे कहाँ खड़ा है, हम ट्रेन में बैठ गए पटना दिल्ली जा रहे हैं तो राजधानी में बैठे तो राजधानी का स्पीड, खड़े हैं तो स्पीड जीरो। हाँ, लेंथ जगह कितना ले रहा है मैन, बस इतना, इतना बहुत मोटा होगा तो इतना, सुमो होगा तो इतना। तो ये देखना है कि एक्स तो होगा ही और मैन का स्पीड वाई इनटू टाइम। अब ये ध्यान देना, एक्स प्लस वाई, वाई क्या हो गया, दूसरे का स्पीड, तो या तो एक्स प्लस वाई होगा या एक्स माइनस वाई होगा, वो तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग जानते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, अपोजिट दोनों मिलकर किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन है प्लस, सेम डायरेक्शन है माइनस। लेकिन स्पीड तो कब कब स्पीड होगा, या तो मैन चल रहा है या मैन किसी ट्रेन में बैठा है, या मैन को भी हटाओ दो ट्रेन, टू ट्रेन्स, एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन एक्स तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन वाई, तो ये इधर जा रहा है वो इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा स्पीड, एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों मिलकर चल रहे हैं ना, एक पटना से दिल्ली, एक दिल्ली से पटना, कानपुर में मिलते हैं तो वो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये भी किया, तो दोनों का स्पीड लिया जाता है। तो अब हम लोग को क्या क्या सोचना है, तो सोचना ये है कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू X प्लस माइनस Y इनटू टाइम, और इसी एक कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर बनेगा, इसी एक फॉर्मूला से पूरा चैप्टर कवर होगा। कॉन्सेप्ट को केवल ध्यान देना है कि अच्छा रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, अच्छा L1 प्लस L2। रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी तो ट्री को पार कर रही है, अच्छा केवल L1। रेलगाड़ी तो पोल को पार कर रही है, केवल L1। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अच्छा L1 प्लस L2। अब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो L1 प्लस L2, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म का स्पीड नहीं होगा, टनल का स्पीड नहीं होगा, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी का हो सकता है स्पीड हो सकता है दैट ट्रेन इज नॉट इन स्टैंडिंग पोजीशन, वो चल रही है या तो उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड होगा। तो सारा फोकस यहीं पे रहना चाहिए कि एक्स स्पीड में हमको दो ही सोचना है, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड बनाएंगे,
और ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक स्पीड मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर था और दूसरा वाई किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक्स एक्स प्लस वाई अपोजिट किलोमीटर एक्स प्लस वाई किलोमीटर वाई पर किलोमीटर पर आवर। आवर और अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है और यहां भी आपका स्पीड एक एक्स किलोमीटर पर आवर और दूसरा वाई किलोमीटर पर आवर है, तो फिर एक्स रिलेटिव माइनस वाई, स्पीड जो होगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, यानी टू वाई स्पीड्स किलोमीटर आर पर आवर। गिवेन, तो अगर दो स्पीड है तो उसको एक स्पीड में बदल लो, और दो लेंथ है तो एक लेंथ में पहले बदल लो, एल वन प्लस एल टू कर लो। एल वन प्लस एल टू तो हर हालत में होगा, आप जो जीरो है तो जीरो है, यानी जीरो ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दैट केसेस ओनली केवल एल वन हो जाएगा। तो बस अब कहीं पे किसी क्वेश्चन में मान लो कहे कि फाइंड टाइम, किसी भी क्वेश्चन में तो हम टाइम क्या सोचेंगे, तो देखेंगे एल वन प्लस एल टू क्या है और एक्स प्लस वाई। जनरली ये मीटर में होता है और ये किलोमीटर पर आवर में अगर रहता है, यहां फंसता है क्वेश्चन, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये था अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी क्वेश्चन में L2 नहीं है तो केवल L1 लिखेंगे, Y भी नहीं है, मैन इज इन स्टैंडिंग पोजीशन या ट्रेन इज स्टैंडिंग पोजीशन में, तो केवल X लिखेंगे L1/X, और मैन ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है तो L1+L2, और दोनों का स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन है तो एक्स प्लस वाई, या टाइम इज इक्वल टू L1+L2 तो ये है ही, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब ध्यान क्या देना, मैं बार बार जो बता रहा हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन किलोमीटर में नहीं रहता है, ये मीटर में दे देता है, और स्पीड जो है आपका ये किलोमीटर पर आवर में दे देता है, तो जैसे ये किलोमीटर पर आवर में दिया हो आप 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर लो। और स्पीड बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम। देखो वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है। अब स्पीड मीन्स व्हाट, तो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, अब साथ लिख रहे हैं, अब आप समझ लेना यहां पे क्या था, सेम डायरेक्शन था तो इसलिए एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई ये क्या होगा, तो यही डिस्टेंस यानी L1+L2 बाई टाइम। यानी इतना सारा फॉर्मूला नहीं, हम लोग को तो बस केवल एक कॉन्सेप्ट पे ही सोचना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सर L1+L2 इज इक्वल टू आइदर एक्स प्लस माइनस वाई इंटू टी, बस यही कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस पे आगे, बोले यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कुछ समझने में, नो सर, L2 क्या है, नो सर, L2 जीरो कब होगा, किस किस केस में, मैन है, ट्री मैन है, पोल पोल है, ट्री, टेलीग्राफ मैन पोस्ट है, पोल पॉइंट है, टेलीग्राम, वाई कब कब जीरो होगा, वाई जीरो जब मैन होगा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा या फिर प्लेटफॉर्म होगा, अगर मूविंग या ब्रिज मूविंग होगा ट्रेन है सर। तो वाई नहीं होगा, मैं अच्छा बोल रहा हूँ एक वाई इस तभी होगा सर जब ट्रेन मूविंग है, यदि ब्रिज है तो वाई नहीं होगा, ओके प्लेटफॉर्म, और मैन रनिंग अच्छा है तो प्लेटफॉर्म का वाई स्पीड होगा जीरो कब होगा, सर, हमेशा जी जी प्लेटफॉर्म का सर, प्लेटफॉर्म स्पीड जीरो होगा सर, का स्पीड या ब्रिज का स्पीड जीरो होगा सर, हमेशा तो होगा सर, जीरो होता ही है, हमेशा होगा, कब क्या, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। यस तो सर, यार मैंने टर्म्स पे बहुत अच्छे से, L1 मीन्स व्हाट, ट्रेन ऑफ की स्पीड ट्रेन सर, का स्पीड L1 सर L1 L1 मतलब जो ट्रेन ट्रेन जा रही लेंथ है सर, उस ओके सर, लेंथ 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 ऑफ सर, ट्रेन डिस्टेंस, हिटसाफ, यानी जो ट्रेन फर्स्ट का ट्रेन है। डिस्टेंस, अच्छा कई बार ऐसा हाँ देखे हो क्या कि ये रेलगाड़ी जा रही है
ये भी रेलगाड़ी है और एक मैन बैठा। आप कभी मैं ट्रेन में बैठे हो और सामने से देखते हो कई बार क्या कि कोई ट्रेन आपको क्रॉस करके निकल जा रही है? हाँ सर, कभी देखा है ऐसा कि वो जो हाँ फास्ट सर, स्पीड वाली ट्रेन है आपके ट्रेन को पार करके निकल जाती है? बड़ा गुस्सा आता है उस समय, मन करता है हम ही उसी ट्रेन में ड्राइवर पे गुस्सा आता है सर, कई सारे ड्राइवर है सर। मेरा इतना धीमा, तो वो फास्ट सुपर फास्ट वगैरह को, राजधानी वगैरह को, बुलेट वगैरह को या कोई और भी, वो सबको पहले दे देता है। तो इसलिए ये ट्रेन चल भी रही है तब भी सामने से ये क्रॉस करके निकल जा रही है, थोड़ा सा इसका स्पीड धीमा कर देता है। तो ऐसे केस में आप देख रहे हो किसको देख रहे हो, अपनी गाड़ी को देख रहे हो कि दूसरे की गाड़ी को देख रहे हो? से दूसरी गाड़ी को सामने सब लोग सोच के बताओ, आप जिस ट्रेन में बैठे हो क्या आप अपने ट्रेन को देख सकते हो? नो सर। नहीं सर, सर दूसरी यहाँ वाली गाड़ी। L1 और L2 कहेंगे दोनों होगा लेकिन Y नहीं होगा सर। हाँ कि Y होगा आप लेकिन किसा ट्रेन से L2 नहीं बाहर होगा। निकल जाएंगे तब हम अपनी ट्रेन को देख पाएंगे, नहीं हाँ तो सर, आप विंडो के पास बैठे हो आपको ये नहीं पता कि आपके ट्रेन में कितना बॉगी है, किधर कैसे इंजन है, कहीं कुछ नहीं। केवल सपोज आप विंडो के पास हो तो आप अपने ट्रेन को नहीं देख पाओगे, आप सामने से जा रहा चाहे कोई भी डायरेक्शन हो सामने से जा रही ट्रेन को आप देख पाते हो। इसलिए और मैन चूंकि जीरो होता है इसलिए जिस ट्रेन में मैन बैठा है वो ट्रेन भी जीरो होगा। क्यों? लेंथ क्योंकि जीरो। मैन को मालूम ही नहीं हो रहा है ना कि उसका ट्रेन कितना लंबा है। आप तो यहीं से देख रहे हो, आपको पार कर गया मतलब ट्रेन पार कर गई, आप तो विंडो से अपना सामने का देख रहे हो। तो सामने से ये ट्रेन आ रही, इतनी बड़ी ट्रेन है, आपको धीरे धीरे, आप तो हर एक बॉगी को देख सकते हो, 10 बॉगी है, 15 बॉगी है, इंजन है, सबको देख सकते हो चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो। यानी आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो ट्रेन जीरो होगा, आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो वो प्लेटफॉर्म जीरो होगा। कब? अगर आप ये वॉच कर रहे हो कि सामने से जा रही गाड़ी आपको पार कर रही, वहां फिर कॉन्सेप्ट क्या आ गया आपको, यानी आप तो जीरो हो ही, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आपको पार करेगा आप प्लेटफॉर्म जीरो, ट्रेन में बैठे हो ट्रेन जीरो, और कहीं किसी जगह पे खड़े हो वो जगह जीरो, क्योंकि पार तो उसको नहीं कर रहा ना, पार तो आपको कर रहा। लेकिन अगर पार उसको करे तब जीरो नहीं होगा, अगर सामने वाली गाड़ी उस गाड़ी को पार करे तो जीरो नहीं होगा, तो L1 प्लस L2 होगा। आर यू सी सिंग यस सर, क्लियर है? हाँ सर, किसी को प्रॉब्लम? नेहा गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, समझ में आ रहा है? जी सर, बस चैप्टर इतना ही है, इसके बाद तो हम लोग प्रॉब्लम्स भी आएंगे, अब प्रॉब्लम्स इजी है, जी चले देखते हैं प्रॉब्लम पे आते हैं कि कैसा प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन जी नंबर 1। सर, क्वेश्चन में हिंदी में 100 मीटर होगा सर, किलोमीटर लिखा हुआ है। ओके ठीक करते रहो। तो क्या है अ ट्रेन 100 मीटर, तो ये अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 टाइम इन विच इट पासेस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ट्रेन की लंबाई मालूम है मतलब L1 मालूम है, मैन को पार कर रहा है L2 जीरो है, ट्रेन का स्पीड मालूम है, पूछ रहा टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालना है। 12 12 मिनट से तो टाइम ऐसे लिख लो, 12 L1 कितना है 100, L2 100 मीटर जीरो होगा और ये तो मीटर में है यस सर, और ये 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ऊपर मीटर है तो मीटर पर बन सेकंड में बदलो, 5 बाय यस सर 18 18 मीटर पर सेकंड में बदले तो क्या हुआ, मीटर मीटर कैंसिल, जो आंसर आया वो सेकंड में आया, कितना बारह रहा सेकेंड
सर 12 सेकंड, 12 सेकंड सर। चलो देखो क्वेश्चन कितना ही जीता। अब बार बार ये प्लस जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। कुछ पहले ही से क्या करते कि रुके सर स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में बदल ले रहा है, 13 × 5/18 पहले ही से कर ले रहा है, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 25/3, ये स्पीड को बदल लिया स्पीड को, और डिस्टेंस है 100, तो टाइम इक्वल टू 100/25/3 यानी 12। ऐसे भी सोच लेते, यानी चाहते पहले ही अगर यूनिट को भी अलग कर लो, लगे कि यहाँ पर लिखने से लिंदी हो रहा है और वो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लो, बस डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, ट्रेन टेक्स 30 सेकंड टू क्रॉस अ ट्री। देखो टाइम दे दिया बाय द रेलवे लाइन, ट्रेन भी मालूम है, ट्री कह रहा है, ट्री जीरो होता है और 30 सेकंड ले रहा है। तो बताओ आपको स्पीड अगर पूछ रहा है, यहां आपका डिस्टेंस भी मालूम है और टाइम भी मालूम है, निकल जाएगा क्या 15 किलोमीटर पर आवर से? अब 15 किलोमीटर पर आवर, अब ये मीटर में है और ये सेकंड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जहां हम लोग फंसते केवल ये ध्यान दे रहा है, तो लेंथ तो 125 होगा ही, डिवाइडेड बाय ये मीटर है और सेकंड है 30 सेकंड। अब नहीं लिखे कि ट्रेन ट्री जीरो प्लस जीरो अब नहीं करेंगे, इनटू ये मीटर पर सेकंड है, देखो मीटर और ये लाइन कहलाता है पर सेकंड, केवल 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आया 15 किलोमीटर पर आवर। शशि समझ में आ रहा है? शशि रंजन, हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो सर, नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल स्पीड ऑफ विथ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन। एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, तो लंबाई समान है यानी एक L1 तो दूसरा भी L1, क्लियर है? और दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक ही स्पीड होगा ट्रेन का, यानी 2L1 इज इक्वल टू स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 750 मीटर। इसको 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 25 मीटर पर सेकंड स्पीड इनटू टाइम, टाइम 1 मिनट है यानी 1 × 60 सेकंड, 60 सेकंड, 1500 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा सर, और प्लेटफॉर्म 750 मीटर, यानी 2L1 इक्वल टू 1500 मीटर, तो इससे हमारा L1 क्या आ गया 750 मीटर। अमित कोई प्रॉब्लम नहीं सर, साक्षी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 600 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन किसको पार कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 600, 30 सेकंड का समय ले रही 300 है मीटर सर। लंबाई वी नो दैट 300 मीटर L1 प्लस L2 होगा, और L1 प्लस
एल टू इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे L1 नहीं मालूम 600 मीटर और स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, और समय जो है ये भी सेकेंड में है 30 सेकेंड्स। तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आंसर आएगा मीटर में आएगा, तो 900 से 600 घटा देंगे तो 300 मीटर। 300, यस सर, 300 मीटर। क्वेश्चन सबों को क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। पढ़िए। A train passes a 50 meter long platform 14 second में, and a man standing on the platform in 10 second. तो स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 14 और 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताना। फोर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर सर। सचिन बताइए क्वेश्चन। सचिन गायब है। अश्विनी मोहन वर्मा सर, इसमें L1 नहीं दिया, L2 तो दिया है ना सर, 50 मीटर, और सिर्फ एक को लेके ही बनाए तो भी बन जाएगा सर, मतलब 14 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसका ट्रेन का स्पीड ऐसे भी निकल जाएगा, या एक L नहीं निकल जाएगा ना सर, अभी निकाला नहीं मैं सर, अभी निकाल रहा था। रौनक बना रहे हैं सर। हाँ बनाइए बनाइए। अच्छा ऐसा होता है क्या कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो अलग स्पीड होगा, मैन को पार करेगा तो अलग स्पीड होगा? नहीं सर, स्पीड तो एक ही। नहीं सर, स्पीड तो सर 45 ही तो आ रहा है। अब पता नहीं, तो जब स्पीड सेम होगा तो स्पीड को सेम कर दो ना। हाँ सर। यहाँ क्लू बाकी नहीं दिया, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई मालूम होता तो पहले वाले से भी बन जाता या दूसरे वाले से बन जाता, तो L1 मालूम ही नहीं है और स्पीड भी पूछ रहा था, दो दो वेरिएबल एक ही क्वेश्चन से तो बनेगा ही नहीं। प्लेटफॉर्म का लेंथ मालूम है, दूसरे में भी मैन का मालूम है, मैन इज जीरो बट लेंथ ऑफ ट्रेन इज नॉट गिवन। तो बहुत सोचने के बाद लगा कि अच्छा यहां से तो नहीं निकलेगा, लेकिन ट्रेन एक ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म तथा मैन को पार कर रही है, यहां कॉन्सेप्ट ये छिपा हुआ है। और अगर केस ऐसा है देन स्पीड विल बी सेम, क्यों? क्योंकि मैन का भी स्पीड नहीं है और प्लेटफॉर्म का भी नहीं है, मैन भी स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो स्पीड यानी एक्स इक्वल टू पहला केस L1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 14 एंड दिस इज इक्वल टू L1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 10।
सिंप्लीफाई करो, एल वन का वैल्यू क्या आया? एल वन 125 आ रहा है। हाँ सर। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? नेहा क्लियर है यहां तक? यस सर, ट्राई कर रही हूँ मैं भी कुछ से। नहीं हाँ ठीक है, अब तो ट्राई कर रही, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो। जी सर। क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और ट्रेन मैन को भी पार कर रही है, तो दोनों केस में ट्रेन ही पार कर रही है तो ट्रेन का स्पीड सेम होगा, ये छिपा हुआ है यहाँ। तो ट्रेन का स्पीड तो हम लोग स्पीड को इक्वल कर दिए कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरे केस में भी डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहले L1 प्लस 50 बाय 14 और L1 दोबारा। हम लोग तो जानते हैं कि डिस्टेंस तो लेंगे तो L1 प्लस L2, L2 क्या है प्लेटफॉर्म है पहले केस में, तो 50 बाय 14 और दूसरे केस में L1 प्लस मैन है 0 बाय 10, तो L1 आ गया 125 मीटर। समीर? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अब दो चीज पूछ सकता था, ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो हमारा आंसर हो जाता है 125 मीटर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है स्पीड बताओ, तो स्पीड के लिए L1 का वैल्यू या तो इसमें या इसमें कहीं भी L1 रख दो, निकल गया। तो ऑब्वियस है कि पहले वाले में रखने से अच्छा लग रहा है कि दूसरे वाले में रख दे, तो चलो दूसरे में रखते हैं। तो 125 बाय 10, और अगर ये किलोमीटर पर आवर में बड़े वाले में लाना है तो 18/5 से गुना कर दो, हो गया किलोमीटर पर आवर। टू फाइव जा 10, टू नाइन जा और 25 से 5 बार में 9 × 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्या छिपा हुआ था? स्पीड विल बी सेम। यही से सॉल्व क्या करना है, देखो क्वेश्चन तो पढ़ने के साथ हमको आइडिया मिलना चाहिए कि जाना किधर है। अगर हमको मालूम होगा तब ना उस रास्ते पे दौड़ लगाएंगे, और नहीं तो हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं। मिस्टर वैभव क्लियर है? सर सर हाँ, और इसको सर इसको ऐसे बना सकते क्या, दोनों के टाइम को माइनस करके और उसको डिवाइड करेंगे 50 में डिवाइड करके और उसको किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करते हैं। सॉरी सर, हम यही किए थे सर, हम क्वेश्चन पढ़े तो मेरे को ये लगा कि अगर एक पोल को पार करता है तो वो ट्रेन के लेंथ को हम मान लिए कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन का लेंथ मिलके जो बनता है, तो उसमें से हमने ट्रेन का लेंथ तो हटा लिया, वो टाइम जो ट्रेन को खुद को पार करने में लगता है, तो हम टाइम माइनस कर दिए और बचा प्लेटफॉर्म का लेंथ, और जो टाइम लगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को वो था 4 सेकंड, तो मेरा इसलिए बहुत जल्दी बन गया था सर, वो जो बोल रहा है वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था। तो यहाँ पे तो कर सकते थे, लेकिन जब L1 प्लस L2 दोनों केस में आएगा फिर वहां पे यही कॉन्सेप्ट लेके तब चलना पड़ेगा। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया सर, लेकिन हम वैसे ही बनाए थे कि टाइम माइनस कर लिए थे क्योंकि ट्रेन का खुद का टाइम 10 सेकंड लगता है पोल को क्रॉस करे या मैन को क्रॉस करे, माइनस कर लेंगे तो 4 सेकंड लगेगा। हाँ, 4 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 10 तो कॉमन हो ही गया तो 4 सेकंड हाँ। लगेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A train passes two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 second. Length of the train. यहाँ माइनस कर लेंगे क्या? सर ये कुछ समझ में नहीं आया सर, इसलिए वो रास्ता बताया था मैंने। यहाँ तो माइनस सर, वो इस पे बनेगा, आपके कॉन्सेप्ट पे बनेगा। यहाँ फिर बात वही है, स्पीड विल बी सेम, स्पीड सेम होगा सर, और जब तो दोनों में L2 दिया हुआ है,
तो स्पीड क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन नॉट गिवेन, एल वन प्लस हंड्रेड, और दूसरे केस में एल वन प्लस 400, पहले वाले का टाइम है 100 और दूसरे वाले का टाइम है 60, इक्वल कर दो, सॉल्व हो गया। हाँ सर, एक रेलगाड़ी दो पुल दो ब्रिज को पार कर रही है, दोनों का लेंथ मालूम है, तो पहले वाला तो L1 प्लस 800, मैंने क्या बताया L1 तो रहेगा ही और L2 है 800, दूसरे केस में L1 प्लस 400, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहले में बाई 100 होगा दूसरे में बाई 60 होगा। फिर इसको क्वेश्चन को और अच्छे से देखना, एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में, सेम क्वेश्चन अभी बताया, डिफरेंस यहां तो मैन है इसलिए डिफरेंस से भी निकाल सकते हो। हाँ सर, प्लेटफॉर्म का लेंथ मालूम है, ट्रेन का लेंथ निकालना है, या तो आप ऐसे कर लो कि सर L1 प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 264 डिवाइडेड बाय पहले वाले का टाइम 20 और इज इक्वल टू L1 प्लस 0 है 0 बाय 8 8। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर है 8, पहले तब आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13।